हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो आपका जो फरवरी मंथ का जो असाइनमेंट है उसी का है। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे आपको इसका सोल्यूशन लिखना है। ये जो आपका असाइनमेंट है बिल्कुल लास्ट असाइनमेंट है, ओके। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके असाइनमेंट से संबंधित और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित जो भी हम वीडियो अपडेट करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्टूडेंट्स, यदि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF और असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहाँ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और असाइनमेंट के PDF आपको मिल जाएंगे, ओके। तो जिसका टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम का से ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे PDF के आंसर आपको मिल जाएंगे, ओके। चलिए देखते हैं आपको क्वेश्चंस क्या दिया गया, उसको सॉल्व कैसे करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, तो आप जरूर एक बार देख लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये आपका ऐसे ही क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें, मैं पूरे एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ इसको। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसका मिनिमाइज दिया हुआ है, वैल्यू मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू -3x + 4y। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कर्टेंस ऑफ x + 2y इज लेस देन इक्वल 8 एंड 3x + 2y इज लेस देन 12। x इज ए ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ए ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, ठीक। तो इसको हमको सबसे पहले इसका फेसिबल रीज़न आपको जानना है, तो यहाँ से लिखेंगे द फेसिबल रीज़न डिटरमाइंड बाई सिस्टम ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं, बाई सिस्टम ऑफ constraints and x + 2y and 3x + 2y is less than equal 12, ठीक है। तो देख लीजिए इक्वेशन आपके पास क्या है, x + 2y is less than 8, 3x + 2y is less than 12। ये आपके पास क्वेश्चन है, गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व हमको कैसे करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है, इक्वेशन जो है उसे आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पास है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, x + 2y इज इक्वल टू 8, और फिर सेकंड को यहाँ लिखेंगे 3x + 12y, ठीक है, ये लिख दिए, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास ये इसके इक्वल में 8 है, और सेकेंड वाले ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसके इक्वल में 12 है। तो हमको यहाँ 1 करने के लिए सेम डिजिट से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ आप डिवाइड कर दीजिए, x/8 + 2/8y = 8/8, ठीक है। सेम ऐसे इधर भी करना है, तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास, राइट। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, x/8 + y/4, और यहाँ 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो कितना आएगा, x/4 + y/6 = 1, ये इक्वेशन बन गया आपके पास। और इस इक्वेशन का कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ x/a + y/b = 1 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखें, फिर अब इसके बाद आपको एक पॉइंट ले लेना है, ग्राफ प्लॉट करना है आपको, ठीक है। तो ग्राफ के लिए आपका ये पॉइंट हो जाएगा, राइट, ई 80 और ए 40 और ये 06 और
ये आएगा कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट, अब इसके बाद स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे आप, फेस्टिवल रीज़न निकालना आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जो आपके पास पॉइंट आया हुआ है इसी को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू ज़ीरो और y इज इक्वल टू ज़ीरो को हम इक्वेशन में रख के देखेंगे कि वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए जो सेकेंड इक्वेशन था आपके पास x प्लस टू वाई इज लेस देन एट, इस इक्वेशन में हम रखेंगे। तो देखिए ये आपके पास इक्वेशन है, x की वैल्यू आप यहाँ से ज़ीरो कीजिए और y की वैल्यू भी यहाँ से ज़ीरो करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इज लेस देन इक्वल एट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल ट्वेल्व, तो x और y की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो कितना आएगा, ज़ीरो लेस देन इक्वल ट्वेल्व आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब इसको हमको ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक, तो आप ग्राफ पेज पर ही ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमको क्या करना है, एक एक्सिस लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, तो ये आपने एक एक्स एक्सिस को प्लॉट कर दिया। ठीक है, और यहाँ एक्स डेज, फिर इसके बाद ये आपके पास वाई हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, पहले ग्राफ को देख लें आप अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद मैं समझा देता हूँ आपको। तो एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट एक सेम डिस्टेंस पे लेना है। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए आप, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, एट। ठीक, इधर मैक्सिमम सिक्स तक आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट आपके पास उधर आपने जो पॉइंट ए लिया था, ठीक है, फोर ज़ीरो और ज़ीरो फोर, तो एक्स एक्सिस पे हम फर्स्ट पॉइंट क्या ले रहे हैं, ए। ठीक है, फोर और ज़ीरो लेंगे। ठीक, और फिर इसके बाद फिर वाई एक्सिस पर हम इसी पॉइंट को ज़ीरो और सिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या, एट और ज़ीरो, और फिर वाई एक्सिस पर ज़ीरो और फोर लेना है। ठीक, तो ये दोनों देख रहे हैं आपके पास इंटरसेक्ट होगा ये बी के पास, ये बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया आपके पास, देख रहे हैं आपके पास, ये आपके पास यहाँ से देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन के लिए है ये वाली, और ये इक्वेशन ये सेकंड के लिए। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये सेकंड इक्वेशन के लिए। ओके, चलिए अब आपको बी पॉइंट फाइंड करना है। बी पॉइंट आपके पास आएगा, कैसे आएगा फाइंड करना है आपको, तो देखिए यहाँ पास दोनों इक्वेशन है उसी से आपको सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ बी कैसे आपको फाइंड करना है। तो देख सकते हैं आपके पास ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को आप क्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट। ठीक है, माइनस कर देना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। थ्री एक्स में वन एक्स को माइनस करेंगे आप, कितना आएगा, टू एक्स आ जाएगा, और ट्वेल्व में एट को माइनस करेंगे तो फोर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू फोर बाई टू, टू टू जा फोर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू। x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, सपोज ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की जगह पे टू और प्लस टू वाई, टू वाई इज इक्वल टू एट, तो टू को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो टू वाई इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा। टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी थ्री, डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू थ्री आ जाएगी। x की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, टू, और y की वैल्यू थ्री, तो ये पॉइंट b मिल गया आपको। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं ये पॉइंट b की वैल्यू आप लिखेंगे यहां पास टू और थ्री, टू और थ्री, राइट, यहां पास आपको लिखना है। ओके, ये ग्राफ हो गया। फिर आगे आप देख लीजिए,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके मेन एग्ज़ाम में भी 6 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फेसिबल रीजन, फर्स्ट क्या निकालेंगे, 0 0, ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट होगा आपके पास 0 और 0, राइट। और इसके बाद फिर पॉइंट ए के लिए आप निकालेंगे यहाँ पास 4 0, और बी के लिए 2 3, और सी के लिए, बी हमने फाइंड किया 2 3 आ गया, सी के लिए 0 4। तो द वैल्यूज ऑफ जेड, जेड फाइंड करना है अपने को एट दिस कॉर्नर पॉइंट्स आर एज फॉलोज। सो कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0 0, तो यहाँ 0 ही होगा, हमको करना क्या है इस इक्वेशन में वैल्यू रखना है। फिर उसके बाद x की जगह पे 4 रखिए और y की 0, तो यहाँ x की जगह पे 0 रखेंगे 3x, तो पूरा 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास आपको करना क्या है 4a की वैल्यू 4 और 0 है, तो क्या करेंगे 3 × 4, ओके। और फिर इसके बाद आपके पास आएगा प्लस y की वैल्यू 0, तो पूरा 0, तो 4 × 12, ठीक है, ये आपके पास आएगा 12, तो ये आपके पास ये 12 हो गया, ठीक है। तो ये मिनिमाइज आ जाएगा क्योंकि जब इसको इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा -12 आएगा। फिर इसके बाद 2 और 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए c के लिए 0 और 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितना होगा -12 होगा, ठीक, ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे देयर फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -12 एट द पॉइंट, पॉइंट क्या आपके पास 4 और 0, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप यहाँ से नोट कर लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। और अगर जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, वो क्वेश्चंस का वीडियो हम अलग से आपको के लिए बना देंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पास, फिर नेक्स्ट आगे देख लें, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, इसे आप देख सकते हैं इधर से पूरा दिख जाएगा आपको, ये ग्राफ आप ग्राफ पेज पर ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये फिर कॉर्नर पॉइंट निकाल लीजिए आप, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास 235/19, और आपको जो पॉइंट मिलेगा बी पॉइंट वो मिलेगा 20/19 प्लस इंटू 20/19 और 45/19, ये मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलेगा 235/19, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ से, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे देख लें आप, ये क्वेश्चंस और फिर इसके आंसर मिल जाएंगे आपको यहाँ से। और आपको जो भी क्वेश्चंस डाउट होते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं, उस क्वेश्चंस का वीडियो हम आप लोगों के लिए अलग से बना देंगे, ओके। चलिए इधर भी आप देख लें, इसको नोट कर लें, फिर देख सकते हैं यहाँ पी एफ की वैल्यू 1/2 आ गई है, 4 × 4 = 8, फिर ये निकालना है आपको, फिर इसको पी ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 1/8 और पी एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 3/8, ठीक है, सबको फिर सॉल्व कर देना है फिर, तो ये देख सकते हैं आपके पास ये आ जाएगा।
नेक्स्ट देख लें, इसी को सॉल्व करेंगे आप। 7/32 आया, और ई एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो कितना आएगा 7/16 नॉट इक्वल पी एफ इंटरसेक्शन जी, एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 4, फिर इसके बाद इसके सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देख सकते हैं आपके पास। ये देखिए, E1 क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग फर्स्ट, एंड E2 इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग सेकंड, एंड A इवेंट ऑफ ड्राइविंग रेड बॉल। ठीक है, तो इसको आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, इसको नोट कर लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद अगले नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए, ये फॉर्म में यूज़ करेंगे, फॉर्म में फिर पुटअप करना है आपको। ठीक है, यहाँ पास आप देख लें थोड़ा कि वही यहाँ कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, 5/22 है, ठीक, 66 + 70, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ओके, ये आप देख लीजिए, यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा, 14 में 5 का करेंगे 70 आएगा, फिर 14 × 22 करेंगे तो 308 आएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, आप देख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करने पे 308 / 136, इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 6 12, 2 से डिवाइड होगा, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, फिर ऊपर भी देख सकते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, तो ये आपके पास इतना आएगा। फिर इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, 22 से ये 7 टाइम जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर आप 7 × 5 कर दें, 35/68, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो अब नीचे लिख लें, हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 35/68, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस देख लें आप, और इसके आंसर आपके पास, फर्स्ट आपको यहाँ से ई एक्स निकाल देना है, फिर इसके बाद ये 21/6 आ जाएगा, फिर ई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है आपको यहाँ से। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे देख लें, वीडियो को पॉज करके आप लिख लें, फिर यहाँ पास फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 12x = ex² - ex^2। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।